2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन के बीच फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। विपक्ष का प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते घटक दलों के साथ जारी लगातार चर्चा के बीच कांग्रेस ने संकेत दिया कि वो गठबंधन को सफल बनाने के लिए अपने घटक दलों को साथ लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। कांग्रेस के एक अहम रणनीतिकार का कहना था कि पार्टी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे के काम को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर उसे अपने सहयोगियों को साथ लेने के लिए कुछ अतिरिक्त भी करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका मकसद किसी भी हाल में बीजेपी को फिर से सत्ता में आने से रोकना है। हालांकि पार्टी के साथ एक दिक्कत ये भी है कि तमाम राज्यों में सहयोगी दल ज्यादातर उन्हीं सीटों की मांग कर रहे हैं जहां विपक्ष के लिए जीत की संभावना है या यहां बीजेपी को हराया जा सकता है। कांग्रेस के सामने एक असमंजस की स्थिति यह भी है कि अगर वो ऐसी तमाम सीटें सहयोगियों को दे देती है तो उसके पास अपने जीत की गुंजाइश कम पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए सहयोगी दलों को इस साथ बार्गेनिंग में दिक्कत आ सकती है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर जहां एक ओर कांग्रेस की गठबंधन समिति औपचारिक तौर पर सीट बंटवारे के लिए बातचीत में व्यस्त है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विभिन्न राजनीतिक दलों के टॉप लीडरशिप के साथ लगातार संपर्क में है। इस सिलसिले में खड़गे ने पिछले दिनों एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं से बात की। इस बारे में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन के संयोजक और अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम दलों के सीनियर नेताओं से संपर्क में है, उनसे बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ ही हफ्तों में इस पर फैसला हो सकता है। दरअसल इन दोनों के साथ कांग्रेस के बीच रिश्ते खींचतानी भरे हैं। हालांकि सीट बंटवारे के काम को आसान और निर्बाध बनाने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और नजरिया अपनाने पर जोर दे रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यह काम 26 जनवरी के आसपास या जनवरी के आखिर तक पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात जल्द हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू होने से पहले खड़गे और राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं की मुलाकात हो सकती है और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इन्हीं तमाम कवायदों के बीच गठबंधन में उन दलों के बीच आपसी दूरियों को कम करने की कोशिश हो रही है जिनके बीच आपसी दूरियां हैं। मसलन यूपी में सपा और बसपा को भी साथ लाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि यूपी में बसपा भी गठबंधन का हिस्सा बने जिससे यह गठबंधन मजबूत हो। इसके मद्देनजर कांग्रेस दोनों को साथ लाने की बात कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दोनों ही दल एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। वहीं कांग्रेस आपके साथ भी अपने कट अनुभवों को दूर करने की कोशिश कर रही है जिससे उसके साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया सहज रूप से आगे बढ़ सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।